फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। मैं हूं रतनदीप और आज का ये वीडियो आधारित है एक्टिव और पैसिव वॉइस पर, टू बी ऑफ पास्ट चैप्टर के अंतर्गत। मैं आपके बीच जो ग्रामर का सीरीज लेकर के आ रहा हूं, यह सीरीज आधारित है इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस, CEFR सिलेबस पर। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और चलिए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत उसका एक्टिव और पैसिव वॉइस किस तरह बनाया जाता है। तो इस बात की चर्चा आज के इस वीडियो में होने वाली है, अंत तक आप लोग निश्चित बने रहिए। सबसे पहले आपके जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। यदि आप इसके बारे में विशेष नहीं जानते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखेंगे आज टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत जो सेंटेंस होते हैं उसका वॉइस कैसे बनाया जाता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। को बनाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं, जिसके अंतर्गत आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट आते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो मैं इस बात की जानकारी सबसे पहले आप लोगों को देना चाहूंगा। क्योंकि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्टिव केस का उपयोग किया जाता है पर्सनल प्रोनाउन का। आई पर्सनल प्रोनाउन है जो सब्जेक्टिव केस में आता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। फिर यू, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है यू। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे वी, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। दे, इसका ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। ही, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। और सी, इसका ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। तो इस तरह आप लोग समझ सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। और यदि आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर आ सकते हैं, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव केस का उपयोग होने वाला है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुका हूँ। और अब हम लोग देखेंगे टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत वॉइस कैसे बनाया जाता है। टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत आप लोग दूसरा वीडियो देखे होंगे, जिस वीडियो में हमने चर्चा आपके साथ किया था कि टू बी के साथ, टू बी ऑफ पास्ट के साथ इन्फिनिटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, उसमें इन्फिनिटिव का उपयोग कैसे किया जाता है। तो उस चैप्टर में जो सेंटेंस बनाए गए हैं, उस चैप्टर में जो सेंटेंस बनाया जाता है, उसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत। इनसे पहले मैं और बहुत सारे सेंटेंस आपके बीच लेकर के आया हूँ टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत, जिसका वॉइस नहीं बनाया जाता है। यदि आप उस दूसरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो उनका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। उस वीडियो को आप एक बार फिर से देख करके समझ सकते हैं कि टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत इन्फिनिटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है, और उसी सेंटेंस का यहाँ पर आपको वॉइस बनाना है। वहाँ पर जितने भी सेंटेंस बनेंगे वो सभी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा। तो उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, उसी बात की चर्चा आज इस वीडियो में होने वाली है। आप लोग अंत तक निश्चित बने रहिए। यहाँ पर कुछ उदाहरण आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ उसी चैप्टर का, जो टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत इन्फिनिटिव वाला चैप्टर है, उसी चैप्टर का यहाँ पे मैं कुछ उदाहरण आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसका फॉर्मूला भी यहाँ पर है। सबसे पहले फॉर्मूला को देखेंगे। फॉर्मूला में सबसे पहले है सब्जेक्ट, वॉज, वर, टू, वी, वन और अंत में ऑब्जेक्ट। इसी फॉर्मूला पर आपको एक्टिव सेंटेंस बनेंगे और इस फॉर्मूला का उपयोग करके आप अधिक से अधिक एक्टिव सेंटेंस बनाएं और उसका पैसिव कन्वर्ट कर लें। पैसिव कैसे बनाएंगे, इस बात की चर्चा इस वीडियो में तो आगे होने ही वाली है, लेकिन पहले देखेंगे। तो फॉर्मूला आपके सामने है और इसी फॉर्मूला पर कुछ उदाहरण क्रिएट यहाँ पर किए गए हैं। तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस क्रिएट हो रहा है इस फॉर्मूला पर, यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इसी तरह के सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो आगे हम लोग फॉर्मूला में देखने वाले हैं। उसी फॉर्मूला को हमने चार भागों में बांटा है। जो सबसे पहला भाग होगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा, फिर नेगेटिव, तीसरा क्वेश्चन और चौथा इंटरोगेटिव नेगेटिव में। तो इस चार तरह से इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो देखने जा रहे हैं पैसिव वॉइस का फॉर्मूला, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस पर आधारित है। यहाँ पर फॉर्मूला आपके सामने है। सेंटेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले शुरू में ऑब्जेक्ट रखना है। ऊपर जो आप सेंटेंस देखे थे, वहाँ जो सेंटेंस बनाया गया था, उस सेंटेंस में जो अंत में ऑब्जेक्ट था, उसी ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस बनाने के लिए यहाँ पर शुरू में रखना है।
और उसके बाद वॉज वर्ब का उपयोग करना है, जैसा सब्जेक्ट होगा उस तरह के वर्ब का उपयोग करेंगे, फिर टू बी का उपयोग करेंगे, टू बी के बाद वी थ्री का उपयोग करेंगे। वी थ्री आप उस वर्ब का बनाएंगे जो ऊपर के सेंटेंस में आप टू के बाद वी वन का उपयोग किए होंगे, उसी वी वन का यहाँ पर आप वी थ्री उपयोग करेंगे, फिर अंत में आगे सेंटेंस में बाय का उपयोग करेंगे और सबसे अंत में आप इसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का उपयोग करेंगे। ऊपर जो आप सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बनाए होंगे उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसी का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस उपयोग करना है, जो पीछे मैं चर्चा कर चुका हूँ कि किस सब्जेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत टू इन्फिनिटिव वाला चैप्टर का किस तरह वॉइस बनाएंगे, उसमें भी अभी हम लोग देख रहे हैं अफिर्मेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है वॉइस के अंतर्गत, इसका फॉर्मूला भी आप लोग समझ चुके हैं और अब इस पे हम लोग देखेंगे उदाहरण। एक उदाहरण यहाँ पे है, अ ट्री वॉज टू बी कट बाय मी। इसका हिंदी अर्थ यहाँ पे निकल रहा है, मेरे द्वारा एक पेड़ काटा जाने वाला था। यहाँ जो अ ट्री है वह देखेंगे ऊपर के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के जगह पे उपयोग किया गया था और यहाँ पर देख रहे हैं और वही चीज़ यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट के जगह पे उपयोग किया गया है। अ ट्री है, एक ही पेड़ है, इसीलिए यहाँ पे वॉज वर्ब का उपयोग किया गया है। सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है इसीलिए वॉज का उपयोग किया गया है। वॉज के बाद आप लोग देखेंगे ऊपर में फॉर्मूला में टू बी है, तो सेंटेंस में भी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे टू बी लगा हुआ है। फिर फॉर्मूला में आप लोग आगे देख रहे हैं वी थ्री का उपयोग किया गया है, तो यहाँ पर भी वी थ्री का उपयोग किया गया है। और कट का वी थ्री आप लोग जानते ही है कट होता है, यहाँ पे कट का उपयोग किया गया है। फॉर्मूला में आगे है बाय, बाय का भी यहाँ पे उपयोग किया गया है और अंत में देख रहे हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे मी का उपयोग किया गया है, क्योंकि आप जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस देखे थे ऊपर में वो सेंटेंस था आई वॉज टू कट अ ट्री, आई आपको वहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में उपयोग हुआ था और उसी आई को यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में अंत में उपयोग करना है पेसिव वॉइस बनाते वक्त। तो आपको मैं पीछे बता चुका था कि यदि आप सब्जेक्ट को पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के जगह पे उपयोग करेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस उपयोग किया जाता है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, इसीलिए यहाँ पर मी का उपयोग किया गया है सब्जेक्ट के बदला में। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस फॉर्मूला पे किस तरह से वॉइस बनाएंगे इस चैप्टर के अंतर्गत आप समझ चुके होंगे। यहाँ जो इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है इस हिंदी अर्थ को भी आप लोग पढ़ेंगे, आपके सामने फॉर्मूला यहाँ पर आपके साथ इसके उदाहरण शेयर कर दिए गए हैं, इन्हें मैं आपकी जानकारी के लिए पढ़ देना चाहूँगा। अगला उदाहरण है, अ ब्यूटीफुल कार वॉज टू बी सोल्ड बाय यू। फिर तीसरा उदाहरण है, अ विलेज पुअर वॉज टू बी हेल्प बाय हिम। फिर नेक्स्ट उदाहरण है, अ हिंदी सॉन्ग वॉज टू बी संग बाय हर। फिर नेक्स्ट उदाहरण है, दीज वर्क व बी डन बाय अस। और अंतिम उदाहरण यहाँ पर देख रहे हैं, गुड पोइम्स व टू बी रिटन बाय देम। यहाँ जो ऑब्जेक्टिव केस आप देख रहे हैं यू हिम हर अस देम और मी, ये सभी ऑब्जेक्टिव केस में है पर्सनल प्रोनाउन का। और शुरू में जो आप लोग सब्जेक्ट देख रहे हैं, अ ट्री अ ब्यूटीफुल द विलेज अ हिंदी सॉन्ग दीज वर्क गुड पॉइंट्स, ये सभी यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के जैसा उपयोग हो रहा है, लेकिन इनसे ऊपर जो आप लोग एक्टिव वॉइस में सेंटेंस देखे थे वहाँ पर ये सभी चीज ये सभी वर्ड वहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट के जगह पे उपयोग किया गया था। और वॉइस का तो यही नियम है, जो वर्ड एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के जगह पे उपयोग होता है उसे हम लोग पेसिव वॉइस बनाते वक्त ऑब्जेक्ट के जगह पे उपयोग करना है, और जो वहाँ पर ऑब्जेक्ट के जगह पर यानी कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के जगह पे उपयोग होता है उसका उपयोग हमें यहाँ पर पेसिव वॉइस बनाते वक्त सब्जेक्ट के जगह पे उपयोग करना है। और आगे क्या करना है उस बात की चर्चा तो इस फॉर्मूला में कर ही दी गई है। तो यहाँ पर आप सीख चुके हैं कि टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे और उसमें भी अफिर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो इस बात की चर्चा हो चुकी है।
आज के इस वीडियो में। अब हम लोग जो यहाँ पर देखे हैं पैसिव वॉइस किस तरह बनाया जाता है, जो अफिर्मेटिव सेंटेंस पर आधारित था उसका नेगेटिव किस तरह बनाएंगे। बस यहाँ पर जो सेंटेंस देख रहे हैं इसी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट वर्ब के बाद आपको नोट लगा देना है। अब जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस आपके साथ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अ ब्यूटीफुल कार। अ ब्यूटीफुल कार आपको यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर वर्ब का उपयोग किया जा रहा है वॉज, वॉज के बाद आपको नोट लगा देना है, तो इस वॉयस वाले सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, जिसे मैं नीचे आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि किस तरह से नेगेटिव बनाएंगे। उन सभी सेंटेंस का यहाँ पर नेगेटिव बनाया गया है। सबसे पहला सेंटेंस है अ ट्री वॉज नॉट बी कट बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस है अ ब्यूटीफुल कार वॉज नॉट टू बी सोल्ड बाय यू। तीसरा सेंटेंस है द विलेज पुअर वॉज नॉट टू बी हेल्प बाय हिम। अगला सेंटेंस अ हिंदी सॉन्ग वॉज नॉट टू बी संग बाय हर। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है दीज वर्क वर नॉट बी डन बाय अस। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है गुड पोएम्स वर नॉट टू बी रिटन बाय देम। तो यहाँ पर जो भी सेंटेंस आप देख रहे हैं नेगेटिव रूप में, वह ऊपर के पेसिव वॉइस का नेगेटिव रूपांतरण यहाँ पे किया गया है। अब आप इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी पेसिव वॉइस के सेंटेंस को। ऊपर जो आप सबसे पहले सेंटेंस देखे थे पेसिव वॉइस में, उसी में सबसे पहले आपको वॉज वर्ब रख देना है, उसके बाद सब्जेक्ट रखना है और अंत में ऑब्जेक्ट रख देना। वॉज को देखिए मैं शुरू में रखा हूँ, फिर अ ट्री जो सब्जेक्ट है, फिर आगे फॉर्मूला के अनुसार सेंटेंस बनाया गया है वॉज अ ट्री टू बी कट बाय मी। सभी सेंटेंस में यहाँ पर देखेंगे वर्ब पहले लिखा गया है और अंत में देखेंगे क्वेश्चन मार्क है, तो इनसे यह पता चल रहा है कि यह सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस पर आधारित है। और यहाँ जो सेंटेंस आप देख रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, यह पेसिव वॉइस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इस बात को आप ख्याल में रखेंगे। अब हम लोग इसी सेंटेंस का भी नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ नेगेटिव सेंटेंस। वो किस तरह, तो आप यहाँ पर उसका भी उदाहरण देख पाएंगे और देख पा रहे हैं। एक उदाहरण है यहाँ पे, वॉज अ हिंदी सॉन्ग नॉट टू बी संग बाय हर। वॉज का उपयोग पहले किया गया, अ हिंदी सॉन्ग सब्जेक्ट है यहाँ पे, और उसके बाद नॉट का उपयोग किया गया है। तो देख रहे हैं कि सेंटेंस में क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों है, और इधर आगे वॉइस के फॉर्मूला के अनुसार आगे सेंटेंस बनाया गया है, और इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है यहाँ पे, क्या एक हिंदी गाना उसके द्वारा नहीं गाई जाने वाली थी। तो इसका हिंदी अर्थ यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, और साथ ही साथ ये उदाहरण भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस सेंटेंस में आज हम आपके बीच चर्चा किए हैं कि टू बी और पास्ट के अंतर्गत एक्टिव से पैसिव वॉइस किस तरह बनाया जाता है, एक्टिव वॉइस का भी सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है इस बात की भी चर्चा मैं कर चुका हूँ, और पेसिव वॉइस उन सभी एक्टिव वॉइस का पेसिव वॉइस कैसे बनाएंगे तो उस बात की भी चर्चा हो चुकी है। और यहाँ पर जितने भी आप पेसिव वॉइस के अफिर्मेटिव सेंटेंस बनाए होंगे उनका नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे इस बात की भी चर्चा इस वीडियो में कर चुका हूँ। तो आप यदि इसी चारों तरह से सेंटेंस बनाने के लिए आगे सीखते जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अंग्रेजी सेंटेंस बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और आप अच्छी से अच्छी सेंटेंस बना सकते हैं हमारे द्वारा इस ग्रामर की सीरीज को, वीडियो को देख करके। और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक सेंटेंस बनाने के लिए सीखें, और सेंटेंस बनाने के लिए यदि आप सीख जाते हैं और उसको यदि आप बार बार रीड करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अंग्रेजी निश्चित बोल पाएंगे। और अंत में चलते चलते आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे काफ़ी खुशी होगा, और यदि आप इसी वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो हमारे पेज को भी लाइक कर सकते हैं। और अंत में यदि आप इसी पोस्ट को हमारी वेबसाइट पे पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलते चलते आप हमें कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट कर सकते हैं, और उसका लिंक है patreon.com/ratandeep, लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, और इसी तरह कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद।